राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। अगली एकादशी 1 जनवरी गुरुवार जो भानु दुलारी राधा बरसाने वारी राधा कैवर बन वारी राधा बजो बान दुलारी बजो राधा 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 बजो राधा 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 भानु दुलारी राधा भानु दुलारी रानी माँ रानी राधा रूप गुमानी रानी माँ रानी राधा रूप गुमानी राधा 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 रानी माँ रानी राधा रूप गुमानी रानी माँ रानी राधा रूप गुमानी रानी माँ रानी राधा रूप गुमानी बड़ी छैल छबीनी राधा छैल छबीनी राधा बजो भानु दुलारी राधा भानु दुलारी राधा भानु दुलारी जाके हरी जिस सूरत जगे बाके बिहारी जस सेवक जाके बिहारी जस सूरत जगे ऐसी रस रूप अदाधा ऐसी रस रूप अदाधा ऐसी रस रूप अगारा बजो भानु दुलारी राधा बजो भानु दुलारी राधा
Radha 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 आज कथा है जनाबाई। क्या नाम बताया? हाँ, जनाबाई बड़ी भक्त हुई हैं। ये नामदेव जी के परिकर में थीं। नामदेव जी बड़े भारी भक्त हुए महाराष्ट्र में, जिनकी झोपड़ी जल गई थी तो श्याम सुंदर ने जाकर के झोपड़ी छाई। ऐसे बड़े भक्त हुए हैं नामदेव जी। उन्हीं के परिकर में जनाबाई रही। जनाबाई बुढ़िया थी और अकेले जनाबाई सब जाता यानी चून पीसती थी। नामदेव जी के यहां बहुत से भक्त आते थे। भक्तों की टोल गटोल आते थे। महाराष्ट्र में बारकरी भक्त बोले जाते हैं, जो एकादशी के दिन जाते हैं पैदल 10-10 कोस दूर चल करके दर्शन करने, उनको क्या कहते हैं? बारकरी भक्त। क्या कहते हैं वो लोग? टोल के टोल जाते हैं। जैसे हमारी यात्रा चलती है, तुम लोग चलते हो और कीर्तन करते गाते नाचते कूदते, तो नामदेव जी के यहां बहुत भक्त आते थे। और जनाबाई अकेले सबको आटा पीस देती थी। आजकल तो चक्की है, आटा नहीं पीसना पड़ता। पुराने जमाने में चक्की नहीं थी तो उससे इतने भक्त आते थे। और कैसे पीसती थी ये भी बता दें। सारी रात जाता चलाती थी चक्की चूज, वो नहीं चलाती थी, वो बैठ जाती थी आटा पीसने के लिए और कीर्तन करती थी। कीर्तन ऐसा करती थी कि गोपाल जी स्वयं आ जाते थे और गोपाल जी आकर के वो तो आंख बंद करके कीर्तन करती थी और सुध भूल जाती थी और गोपाल जी ही आटा पीसते थे। सारा आटा गोपाल जी पीसते थे। भगवान की अगर भक्ति होगी, भक्ति होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? अच्छा,
ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये लड़के अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, वो लोग भक्त नहीं हैं इसलिए कहते हैं, ये लड़कियां क्या कमाएंगी क्या खाएंगी, इनका ब्याह नहीं हुआ है कहाँ रहेंगी, ऐसी बातें करते हैं। कौन लोग करते हैं बताओ? भक्त नहीं है, भक्त लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। भक्त तो सोचते हैं भोजना छादेने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योसौ विश्वंभरो देवो सब कम कब स किम भक्तान उपेक्षते। भगवान चोरों को देता है, डाकुओं को देता है, बदमाशों को देता है, सर्प को बिच्छू को सबको भोजन देता है, उसका नाम है विश्वंभर। विश्वंभर माने संसार में जितने जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, गधा हैं, कुत्ता हैं, चांडाल हैं, भगवान सबको भोजन देता है। फिर क्या भक्तों को नहीं देगा? इसलिए भगवान बड़ा दयालु है, विश्वास चाहिए सच्चा, प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम? वही सब कुछ है हमारा। नामदेव जी से पूछा गया कि तेरी झोपड़ी किसने छाई? तो ऐसी झोपड़ी थी कि ऐसा लगता था सोने की बनी है, और उसमें लिखा है उन्होंने कंचन छान पदम पट दीने प्रीति की गांठ जुराई। ऐसा लगता था कंचन मने सोना, और कमल के पर्दे हैं। कंचन छान पदम पट दीने प्रीति की गांठ जुराई, अब कहीं गांठ दिखाई नहीं पड़ रही, सिरकी की बनी भई है, ऐसी झोपड़ी है। तो लोग पूछते थे, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन यह छान छवाई, ये छान किसने बनाई है? छान माने झोपड़ी। तो नामदेव जी बोले क्यों? तोते अधिक मजूरी दई हैं, जितना उसने बनाई लिया है पैसा लिया है उससे ज्यादा हम देंगे। मोहे देहो बताई, हमको उसका पता ठिकाना बता जिसने तेरी झोपड़ी छाई है। बैठिया कहते हैं मजदूर को उधर की भाषा में। नामदेव जी बोले बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, केवल प्रेम चाहता है बैठिया माने भगवान रूपी मजदूर। कैसा प्रेम? मात पिता सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। संसार में कहीं भी प्रेम नहीं रहना चाहिए आ सकती। ये हमारा बेटा है या बेटी है, ये हमारी माँ है हमारा बाप है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पति है, ये सब खत्म।
जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान राम ने कहा है विभीषण से, जननी माने माँ, जनक माने बंधु, माने सुत माने दारा, माने स्त्री, तन माने शरीर, धन माने भवन, माने सुहृद, माने परिवार वाले, परिवार माने कुटुंबी। भगवान ने कहा सबकी ममता हटा दो, ऐसा प्रेम चाहिए। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बन ही बांध बटडोरी। केवल भगवान में प्रेम रहे उसका नाम प्रेम है। जैसे मीरा ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल और वाह हमसे ज्यादा तुम जानते हो तात मात भ्रात बंधु, वाह वाह हमसे ज्यादा जानते हो, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई भाई है, जाके सिर, वाह हम तो भूल गए तुम जानते हो, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा सब कुछ है, वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है, वही मेरा भाई है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। बैठिया प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छवावे, कोई भी भगवान को नौकर बना ले, चमार चांडाल नीच पापी, ऐसा प्रेम हो। भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे, बिना बुलाए भगवान आ जाएगा। इस संसार से प्रेम हटाओ, अपने आप आ जाएगा। कंचन छान पदम पट दीने, प्रीति की गांठ जुड़ावे, गोविंद के गुण भनय नाम देव, केवल मैं गोविंद के गुण गाता हूं, सोई छान छबावे। तो हमने इसलिए सुनाया, जनाबाई नामदेव जी के परिकर के थी, जैसे तुम लोग मान मंदिर परिकर में हो। किस परिकर में हो, उसी समुदाय में थी नामदेव जी के। इसलिए गोपाल जी उनकी आठ चक्की चलाते थे। कोई कमाई की जरूरत नहीं, भगवान से प्रेम कर लो, सब भगवान काम करते हैं। हनुमान जी ने कहा है, सेवक सुतपति माते भरोसे, रहे अशोच बने प्रभु पोसे। चिंता नहीं करो, बने प्रभु पोषे, भगवान पालन पोषण करते हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान में। ऐसा विश्वास नहीं होता है क्योंकि आसक्ति ममता ये भगवान से अलग कर देती है। जनाबाई दिन रात कीर्तन करती थी, दिन हो रात हो पता नहीं पड़ता था। एक दिन रात में जनाबाई को प्रेम आया और भगवान का नाम चिल्लाते चिल्लाते विरह में ढूंढते चली, कहाँ है गोपाल, जैसे गोपियां ढूंढती जाती हैं।
कल सुनाया था तुमको, याद है रात में पद, रंगी त्रिभंगी शाम के पुकारती हरी 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 लता में, सुनाया था कि नहीं रात में? ऐसे ढूंढना चाहिए प्रभु को। तो रात में गोपाल जी को ढूंढने निकल पड़ी बिरह में, और जब गई तो वहां का मंदिर बहुत बड़ा था, मंदिर में पुजारी शयन कराना भूल गया था। जब शयन कराते हैं तो मंदिर पट किवाड़ बंद हो जाती है ना, पुजारी भूल गया और भगवान की इच्छा शयन कराना भी भूल गया। जनाबाई पहुंची, वहां देखा ठाकुर जी का दर्शन खुला है, बड़ी खुश भई, गोपाल जी ने हमको दर्शन दिया, इस समय तो दर्शन नहीं होना चाहिए, शयन है। इस प्रेम में नाचने लग गई। नाचने लग गई, उधर से चोर लोग निकले, उन्होंने देखा मंदिर खुला है, वाह ये तो बढ़िया मौका है चोरी करने का, मंदिर खुला है ताला नहीं है तो चलो हाथ मारे, घुस गए और सबसे कीमती भगवान की ग्रीवा, गर्दन में जो हार है रत्नों का, उसको ग्रीवा रत्न पदक कहते हैं, उसको उतारा और जल्दी से बोले भाग चलो, ये तो बहुत कीमती है, करोड़ों रुपए का है, कोई आना जाए, इतने ही एक ही माल मिल गया बहुत है। वहां से हार लेकर के भाग गए। उधर उत्थापन मंगला के समय पुजारी जी आए, अरे हम उत्थापन मंगला शयन कराना भूल गए। ओ गए भीतर, देखा ठाकुर जी का हार गायब है। जनाबाई नाच रही थी, लोग दर्शन करने आए, सब ने कहा अरे हार चोरी हो गया, तो बहुत से लोग बोले इसी ने चुराया है, इस बुढ़िया ने, ये नाच रही अब ढोंग कर रही है, रात में यही रही, इसी ने चुराया है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बड़ी भक्त है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा, जो विरोधी थे चिढ़ते थे भगवान के नाम कीर्तन से, बोले इसके नाम की रिपोर्ट करो, उसको सरकार से सजा दिला दो। सब लोग गए वहां, चोरी लगाई गई जनाबाई पे। जब चोरी लग गई तो सजा देने के लिए बुलाया गया, कहां है जना, जना को पकड़ के लोग ले गए और वहां मुकदमा पेश हुआ। मुकदमा हुआ, फैसला दिया गया, उन दिनों ने कड़ा सजा बड़ी कड़ी थी, जो चोर होता था
उसको सूली की सजा दी जाती थी। कौन सी सजा? फांसी में तो फंदा लटकाते हैं गले में और गला घुट करके मर जाता है, फांसी उसको कहते हैं। सूली उससे ज्यादा कठोर है। सूली में क्या करते हैं, एक ऐसी लोहे की सुई होती है लंबी चौड़ी, उस सुई की नोक पर जो चोर है चाहे कोई है, पुरुष है स्त्री है, उसको गुदा के द्वार से बैठाल देते हैं जब शौच करते हैं, टट्टी करते हैं, और वो धीरे धीरे घुसती है। तकलीफ होता है जब हिलता है तो अपने आप सूली भीतर घुसती है। ऐसे सूली में कई दिन लग जाते हैं लोगों को मरने में, तड़फ तड़फ के मरने में। तो सजा सुनाई गई सूली जना को, सूली। सारे वहां नगर में पंढरीपुर में हल्ला मच गया, जना को सूली दी गई, दी जाएगी। चंद्रभागा नदी वहां, कौन सी नदी है, उस नदी के किनारे सूली दी जाएगी। लोग देखने गए, अरे भाई कुछ अच्छे लोग बड़े रो रहे थे, जना तो बड़ी भक्त है, और जो जो दुष्ट लोग थे हम लोग वो खुश हो रहे थे। बड़ी ढोंगिन थी और उसको आज उसका ढोंग खुल गया। बड़ी भीड़ गई वहां। जब भीड़ गई तो जनाबाई को लाया गया और सबके सामने सूली पर बैठा ला गया। भक्त लोग तो रो रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये तो बड़ी भक्त है। और दुष्ट लोग खुश हो रहे हैं। तो जनाबाई ने गाया, क्या गाया, चाहे हे विट्ठल विट्ठल प्रभु का नाम है, क्या नाम है, चाहे सूली दे दे चाहे माला दे दे, मैं तो तेरी हूं, जैसे जैसे चाहे वैसे तेरी इच्छा है। रोई नहीं है विट्ठल, चाहे सूली दे दे विट्ठल, चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। विट्ठल चाहे सूली दे दे विट्ठल, चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ। विट्ठल चाहे सूली दे दे विट्ठल, चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। विट्ठल चाहे सूली दे दे विट्ठल, चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग
पांडुरंगा हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। वहां विट्ठल भगवान का पांडु माने पीला रंग है, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। हमें डर नहीं है, हमें अपना प्रेम दे दे, ऐसा प्यार दे सूली भी फूलों की शैया हो जाए, ऐसा प्यार दे सूली भी फूलों की शैया हो जाए, भगवान के प्रेम में शूली भी फूल बन जाते हैं। ऐसा है, हुआ है मीरा जी के साथ, उनको जहरीली शैया पर सुलाया गया, जहर पिलाया गया, सब अमृत बन गया। प्रेम होना चाहिए भगवान में, ऐसा प्यार दे शूली भी फूलों की शैया हो जाए, फूलों शैया हो जाए। और प्रहलाद को आग में जलाया गया, आग ठंडी हो गई, ऐसा प्यार दे अंगारे जलते भी शीतल हो जाए, ऐसा प्यार दे अंगारे जलते भी शीतल हो जाए, जलते भी शीतल हो जाए, जलते भी शीतल हो जाए। पहाड़ से कुचला गया प्रहलाद को, पहाड़ चूर चूर हो गए, ऐसा प्यार दे पर्वत भी टकरा टकरा गिर जो जाए, ऐसा प्यार दे पर्वत भी टकरा टकरा गिर हो जाए, और समुद्र भी, समुद्र में डाला गया प्रहलाद जी को, समुद्र की लहरें भी नाव बन गई, ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा कर तर जाए, ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा कर तर जाए, लहरा लहरा कर तर जाए, लहरा लहरा कर तर जाए, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हमको डर नहीं है। ले ले नाम तेरा मैं विट्ठल, जा पकड़ूंगी सर्प जाल, ले ले नाम तेरा मैं विट्ठल, जा पकड़ूंगी सर्प जाल, जा पकड़ूंगी
सर्पों का जाल, या पकड़ूंगी सर्पों का जाल, ले ले नाम तेरा मैं बिठल जाली पटूंगी बिकट जोकाल, ले नाम तेरा मैं बिठल जाली पटूंगी बिकट जोकाल, तेरा नाम लेकर के जहर पी लूंगी जैसे मीरा ने पिया, ले ले नाम तेरा मैं पिठल पी लूंगी मैं हाला हाल, ले ले नाम तेरा मैं पिठल पी लूंगी मैं हाला हाल, कष्टों के जाल में घुस जाऊंगी डरूंगी नहीं, ले ले नाम तेरा मैं बिठल नाचूंगी घुस ज्वाल के मार, ले ले नाम तेरा मैं बिठल नाचूंगी घुस ज्वाल के मार, बिठल चाहे सूली दे दे बिठल चाहे माला दे दे मैं तेरी तेरी हो, बिठल चाहे सुनी दे दे बिठल चाहे माला दे दे मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ, बिठल मेरो प्राण बिठल मेरो प्राण बिठल मेरो प्राण बिठल मेरो प्राण, बिठल मेरो जीवन बिठल मेरो जीवन बिठल मेरो जीवन बिठल मेरो जीवन, गोविंद मेरो प्राण गोविंद मेरो प्राण गोविंद मेरो प्राण गोविंद मेरो प्राण, गोपाल मेरो जीवन गोपाल मेरो जीवन गोपाल मेरो जीवन गोपाल मेरो जीवन, बिठल चाहे सूली दे दे बिठल चाहे माला दे दे मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ, बिठल चाहे सूली दे दे बिठल चाहे माला दे दे मैं तेरी हूँ, बैठ जाओ कथा सुन लो। पहले जब सूली पर चढ़ाई गई जनाबाई को तो भक्त लोग तो रो रहे थे, प्रभु इस बुढ़िया के साथ क्या तूने किया, ये तो बड़ी भक्त बुढ़िया थी, और जो दुष्ट लोग थे वो खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सूली पर बिठाया गया, सूली पिघलती गई, लोहे की सूली पिघल गई, जैसे मोमबत्ती जलाते हो ना तो मोम पिघल जाता है, ऐसे सारी सूली इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वो पिघलती गई, जनाबाई नीचे आती गई, और एकदम पिघल करके नीचे आ गई, जना एकदम साफ बच गई, जैसे प्रहलाद जी बच गए थे। प्रहलाद जी को जलाया गया, प्रहलाद जी को समुद्र में डुबाया गया, प्रहलाद जी को जहर पिलाया गया, प्रहलाद जी पे हथियार छोड़े गए, अग्नि अस्त्र एटम बम वगैरह, और कुछ नहीं हुआ। प्रभु की भक्ति करना चाहिए भैया, रोटी दाल कपड़ा तो बेवकूफ लोग सोचते हैं, सोचना चाहिए भगवान कैसे मिले, क्या सोचना चाहिए, भगवान की भक्ति आ जाए। रुपया पैसा तो बेवकूफ लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं,
संसार का सुख हम लोग सोचते हैं जो मूर्ख हैं, संसार के भोग विषयी लोग सोचते हैं। सोचना क्या चाहिए बोलो? हाँ, तो इसलिए ये विट्ठल जी और जनाबाई की कथा सुनाइए और अब जाओ भक्ति करो। भजबान दुलारी राधा।